कमर्शियल का जो गेम है ना सर, कमर्शियल का गेम ही डिफरेंट है। आज लोग कह तो देते हैं कि सर वॉल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर लो, पैसा बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, टाइम बाय टाइम आपको रेंटल मिल जाएगा। बट आपको एग्जाम्पल एक ही चीज का दिया जा रहा है, वो है आपका एम्बियंस मॉल। क्यों दिया जा रहा है, कभी आपने समझा? उसका आंसर सिर्फ इतना है सर, एम्बियंस मॉल में सिर्फ एक ही गली जाती है। जिस मॉल के अंदर एक ही रास्ता हो, एक ही गली हो, वो कमर्शियल चलेगा ही चलेगा, अदरवाइज वो कमर्शियल नहीं चलेगा। आसपास की विसिनिटी में कंपटीशन ही नहीं है सर, लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका रिटेल भी आता है एंड आपका एसईओज भी आता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो लोग मार्केट के अंदर पैसा लगाने जाते हैं, उसमें टेंडेंसी समझो, आप एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाने जाते हो रेदर देन 2, 3, 4, 5, 10 मैक्सिमम। बड़ा इन्वेस्टर होगा 20 में लगा देगा, 30 में लगा देगा, इससे ज्यादा वो भी नहीं लगाता। सेम फिर आते हैं हम लोग जो आपको प्रॉपर्टी रिकमेंड करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर? आज अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, इतना कमर्शियल बेच लिया M3M के अंदर, ये कोई बड़ा कमर्शियल आता है, इतनी दुकानें बेचने के बाद हमें खुद नंबर याद नहीं रहता कि कौन से नंबर की दुकान कौन से क्लाइंट को बेच ली। इतने बड़े कमर्शियल के अंदर 800 दुकान है, क्या आपको लगता है वो कमर्शियल चल जाएगा सर? मनी मन बताओ, मनी मन तो आपको भी पता नहीं चलेगा। आप खेल किस पर रहे हो? कैपिटल अप्रिसिएशन पे, उम्मीदों पे, सपनों पे। अब मार्केट का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, अब सारी बात आती है आप समझते कैसे हो। आज बड़ा सारा कमर्शियल है सेक्टर 65 में, MR65 SEO के बराबर में, सबको तो पता है, हर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं सर। कभी एंट्री करके देखो सर, मैं गया अपने क्लाइंट के साथ, अच्छा खासा बजट था, 30-40 रुपए का बजट था, गया एंट्री देखी, इन्वेस्टर ने बोला कि वाह भाई वाह, क्या कमर्शियल है, इतना बढ़िया कमर्शियल। फिर अंदर घुसा, फिर दुकान देखी, कह रहा वाह बहुत बढ़िया कटिंग है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अंदर जाते ही सर ओपिनियन चेंज हो गया, कस्टमर कहता है ये क्या है इधर इतना सारा सब कुछ, 800 दुकानें, कौन आ रहा है यहाँ पे, कौन चला रहा है यहाँ पे आके? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं पे आकर हो गया। लोकेशन ठीक है, पैसा बना देगी, बट क्या लोकेशन आपको एग्जिट करा देगी? हमालिया गुड बुक्स में पैसा, आप चले तो जाते हो सस्ते के चक्कर में कि उस ब्रोकर ने मुझे सस्ते में प्रॉपर्टी दिला दी, वो सस्ता आपको फंस ऐसी जगह जाता है, फिर आप कहते हो कि यार जमा पूंजी जितनी थी सारी फंस के रह गई। अब सबसे बड़ा अगेन नया मार्केट के अंदर गिमिक चला है, जिसको हम बोलते हैं SEO शॉप कम ऑफिस स्पेस। मैं पहले भी ऑलरेडी एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कहीं भी SEO लेने जाओ पूरे गुड़गांव में, इट डजेंट मैटर कि क्या प्राइस है क्या नहीं है, पूरे गुड़गांव में एक टेंटेटिव प्राइस आपका 6 से 7 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है। एनी SEO विच इज लाइक बिलो एवरेज सेलिंग प्राइस, उस पर ले लो, पैसा बन जाएगा, सबके साथ बन जाएगा, उससे ऊपर नीचे या ज़्यादा दिमाग चलाओगे सर तो दिमाग में पैसे नहीं आते, ये दिमाग के चलता है और कुछ नहीं होता। आपको लग रहा होगा मैं ये सारी क्यों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 7-8 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये जब लगाते हो ना, फिर आप ही लोग मार्केट को ब्लेम कर देते हो कि मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा फंस के रह गया। बट उसमें 90% गलती आपकी है, क्योंकि जिसका पैसा होता है समझ उसी की होती है, डिसीजन आपके होते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। सेम आज SEO मार्केट के अंदर इतने सारे आ गए, हर कोई तारीफ कर रहा है सर, 29 के SEO, 17 मार्केट चंडीगढ़ के SEO, या आप ले लो कनॉट प्लेस के SEO, खान मार्केट के SEO, उन्हीं के एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, वही चीज़ें आपको पता है, वही प्रूवन मेथड्स, वही बातें, जितने लोगों से बात करोगे वही एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। नया क्या है सर? नया ये है कि अगर कोई आप SEO लेने जाते हो, 5 एकड़ का अगर लैंड पार्सल है, उसमें पहली चीज़ नंबर ऑफ प्लॉट्स थे, दूसरा 60 गज, 70 गज, 80 गज के SEO पे मत जाओ। आप खुद आइडिया लगा लो, 60 गज के SEO है, आप बना लेते हो 4 मंजिल, बनने के बाद उसको स्पेस भी तो चाहिएगा सर सामान रखने का, लोडिंग में तो नाम भी कोई चीज़ होती होगी। दूसरा SEO ले तो सब रहे हैं कि ठीक है लाइन से SEO आ गए, पार्किंग कहाँ है? जिस SEO में पार्किंग है, अब धीरे धीरे जो नए नए बिल्डर आ रहे हैं उन्होंने पार्किंग का सोल्यूशन दे दिया है, पार्किंग आ चुकी है। अगेन आपके SEO में सर आपको यही नहीं पता कि आगे तो पूरा स्पेस दे दिया, इतना फ्रंटेज, पीछे की तरफ तो कोई स्पेस ही नहीं है। आजकल को हल्दीराम आ गया, हल्दीराम आके अपना जो सामान लेके आएगा कंटेनर में लोड करके सीधा फ्रंट में गाड़ी लगा के सामान चढ़वाएगा क्या? ये सामान कंटेनर पीछे वाले रास्ते पर रुकेगा, जब जाके लिफ्ट से ऊपर जाएगा, जब जाके ही एक SEO चल पाता है, अदरवाइज यू आर टेकिंग अ डेड इन्वेस्टमेंट। मुंह पे सुन लो सर, सच्चाई तो ये। अब इसमें दो तरीके से चीज़ें आती हैं, आप बोलोगे सर मैं तो लोकेशन पे पैसा लगाता हूँ, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं सर, प्रूवन एग्जांपल,
इस बेसिस पे आप लोगों को रुझाया जाता है, जैसे लोकेशन। आज से सेक्टर 82 में क्या कमी है सर लोकेशन में? बंदा देखते ही तो कन्विंस हो जाता है, बट सेम बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कहाँ है? किसी बिल्डर के पास चले जाओ, अच्छा बिल्डर है, अच्छा खासा बिल्डर है, बट उसको बनाने की समझ नहीं है, लेआउट है सर। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं सर जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जब आप इन्वेस्टमेंट जाते हो ना करने 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये की, उस टाइम आपको बंदा भी ऐसे चाहिए होता है जिसने पूरी मार्केट को खोदे हुए होता है। आज कह सब देखते हैं कि सर मैंने मार्केट स्टडी करी हुई है, पेपर पे प्रॉपर्टी बेचना सबसे आसान काम होता है, जब फैक्ट्स एंड फिगर पे रियल्टी पे प्रॉपर्टी बिकती है ना सर, वहाँ पे सच्चाई पता लगती है क्या ये प्रॉपर्टी सही में लेने लायक भी है या नहीं। और लास्ट आप में से पूछोगे कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई? सर मैं बताता हूँ मैंने आपको क्यों बताई। मैंने आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं सर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, अच्छा खासा पैसा कमाया और आगे लगा भी रहे हैं पैसे मेरे थ्रू। वो लगा ऐसे ले रहे हैं क्योंकि पीछे उन्होंने पास्ट में कमाया है। सेम जो आप लोगों आगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सर, अब यहाँ पे आता है प्राइस वेरिएशन। कुछ बिल्डर्स मार्केट के अंदर ये गेम खेलते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो आपको मिलेगा सस्ते से सस्ता प्राइस, बेचने जाओगे तो बोलोगे महंगे से महंगा प्राइस। ये क्या है? ये वो है कि मार्केट को रोटेशन किया जाता है, उस कंडीशन में आपको ऐसे बचना है कि उस प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट करो जब आपके सामने बन के खड़ी हो जाए, ज़्यादा महंगा रेट नहीं होता, 500 हज़ार स्क्वायर फीट का डिफरेंस भी मुश्किल से आता है। सेम वो 500 हज़ार स्क्वायर फीट का प्रॉफिट भी जस्टिफाइड लगता है सर। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू करवाई जा रही है आप लोगों से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि सर मेरा SEO को लेके, कमर्शियल को लेके एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम नॉट अगेंस्ट कमर्शियल, बट हाँ, बट मैं कमर्शियल में वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करूँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि डेट ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग मत्ते की दुकान, गिनती की 20 दुकान ही तो हैं, 60 लाख रुपये की दुकान है, 30,000 रुपये किराया आ रहा है, जस्टिफाइड लगता है सर। अगर आता है तो मैं कर देता हूँ, नहीं आता तो सर मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों में डिफरेंस है सर। आपने पैसा कमाया, लगा दिया, अब क्या आपने जो पैसा लगाया उससे आप पैसे कमा पा रहे हो? वो जब ही कमा पाओगे जब आप एक राइट इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कमर्शियल। काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जिनके बेसिस पे कमर्शियल चलता है सर, बातों पे कमर्शियल नहीं चलता। एंड इफ़ यू आर पर्टिकुलरली लुकिंग माई वीडियो सर, एंड अगर आप देख रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल SEO या प्लॉट या कोई भी एनी अदर इन्वेस्टमेंट इन गुड़गांव मार्केट, सो मैं बोलूँगा सर प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। एंड आई वुड से कि पर्सनली अगर आप मिल सको वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता पाऊँगा। एंड सर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आप ही लोग हैं सर जो वीडियोज़ को इतना लाइक कर रहे हैं जब भी मैं इतना आउटकम दे पा रहा हूँ। सो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। एंड मेरी और मेरी मीडिया टीम की तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ वी आर ऑन इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पे हम ऑलरेडी हैं ही हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गुड़गांव के अंदर इन एनी टिकट साइज, सो डू लेट मी नो, विल गिव यू अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्लस सर मैं चाहूँगा कि फ़ोन पे कहीं पर क्या होता है कि वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता जो मैं बताना चाहता हूँ, सेम विथ वीडियो ऑल्सो। तो मैं चाहता हूँ कि डैट इफ़ यू आर अ सीरियस बायर एंड चाहते हो कि मेरे पैसा सही जगह लगे, तो वी कैन डू अ मीटिंग, वी कैन सेट अप अ मीटिंग एंड आफ्टर डैट वी कैन डिस्कस। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कमर्शियल। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।